भाई तुझे कितनी बार बोला स्कूटर पे मत आ, इट्स नॉट सेफ। दिया गिरा दिया बंदे को। क्या बोलना चाहते हो लोगों को यूट्यूब पे? मैं फेमस हो गया। गौरव भैया थोड़ा सा दिखा दी दो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी बजे है सुबह के 7 और हम निकले हैं अपने सफ़र की ओर। आज का जो हमारा सफ़र है वो रहने वाला है पटनी टॉप। तो गाइस अभी बजे है सुबह के 7:30 और आप देख सकते हो अभी हमें पंचतरती में, ये रहा अपना स्पॉट जो कि निकलने वाला है। आप लोग देख सकते हो सब मेरे साथ जुड़े हैं, अभी सब ने अपनी बाइक जो है स्टार्ट कर दी। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी बाइक आज हम जा रहे हैं और आज की बाइक जो है वो पटनी टॉप रहने वाली है। अपने अमर भैया, क्या हाल है? तो गाइस अभी हमारे जो कुछ बंदे हैं वो फ्यूल अप कराने गए, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। और हमारे प्रिंस भैया की बाइक के अंदर आप लोगों को मैं एक बार ये देख लो, बंदा हेयर ड्रायर अपने साथ लेके जा रहा है। क्या चक्कर है इसके पीछे? सही है यार, चलो अच्छी बात है। गाइस अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये रहे अपने गुरप्रीत भैया, हर किसी को दिखाएंगे। ये देखिए गाइस अपना स्क्वाड पूरा जा रहा है अपने आगे, बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है एंड काफ़ी मज़ा आएगा इस वाली ट्रिप पे। अभी हम पहुंचे हैं टोल प्लाजा पे, आप लोग देख सकते हो ये रहा अब मेरे सामने टोल प्लाजा। और काफ़ी मज़ा आया यहाँ तक राइड करने में, हर कोई बहुत ही प्यार से जा रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस आप लोग भी खूब सारा प्यार दिखाओ और एंजॉय करो इस ब्लॉग को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने उन राइडर्स के साथ जिनके साथ आप भी ट्रिप्स पे जाते हो। तो कितनी प्यारी टनल्स बनी है यहाँ पे। तो गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अभी हम जा रहे हैं पटनी टॉप की तरफ, हर कोई जो है बिल्कुल प्यार से चल रहा है, आराम से चल रहा है। गाइस ग्रुप राइड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती है लाइक बाइक में होती है, या कभी कभार बंदा गिर भी जाता है। ग्रुप में क्या है ना कि साथ होते हैं, हर कोई साथ होता है, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर आप सोलो राइड पे जाते हो, सोलो राइड भी मैं खुद भी सोलो राइड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा मैं ग्रुप राइड ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि ग्रुप राइड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बंदे को, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। और सोलो राइड में भाई आपको अकेले जाना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद फेस करनी पड़ती है अकेले। इस मतलब अगर आप कहीं जाओगे भी कुछ होगा आपके साथ, लाइक आपकी बाइक जो है नहीं चल पाएगी, पंचर होगा या कुछ और होगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दिक्कत यही आ सकती है कि आपको अकेले सब कुछ देखना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये रहा अपना पूरा स्क्वाड। अभी हम रुके हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह कुछ खा के नहीं निकले। तो गाइस देख सकते हो आप अभी कितनी प्यारी भी हुआ है और ये लगी है अपनी बाइक्स, आप लोग देख सकते हो। फिर से एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखो बिल्कुल अपनी बाइक्स यहाँ पे लगी है एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे कुछ बंदे जो है ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, ये देखिए। बस बस मैं भी ले रहा हूँ अपने गौरव भाई और हाँ जी बच्चे, हाँ ऑन है, बताओ क्या बताना चाहते हो वीडियो में? कुछ नहीं, बस फोन पे आ जाऊंगा, यही था। यूट्यूब पे आ जाओगे अब? हाँ। अच्छा है ना, क्या नाम है बच्चे? हाँ? क्या नाम है? भावेश। भावेश, चैनल का नाम आगे लिखा है क्या है बताओ? राइड पिताशी। हाँ वेरी गुड, चलो निकले हम। हाँ। ओके डालोगे यूट्यूब पे? हाँ पक्का डालूंगा। क्या बोलना चाहते हो लोगों को यूट्यूब पे? मैं फेमस हो
चलो जी निकले फिर हम। ओके बाय। तो चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से हम। जो बच्चा था वो रहा था मैं फेमस हो गया, मैंने कहा चलो भाई आपको फेमस ही कर देते हैं आज। काफ़ी अच्छा लगा अभी तक, यहाँ तक की राइड काफ़ी अच्छी लगी। अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, तो कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की और पहुँचेंगे जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा। अभी हम निकले हैं उधमपुर सिटी से। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अभी हम उधमपुर सिटी के बीच में निकले हैं। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल प्यार से चल रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम रुके हैं उधमपुर में, आप लोग देख सकते हो ग्रुप के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रही थी आगे जो राइड है वो कैसे रहने वाली है। क्या क्या बोल रहे हो रवि भाई? हेलो जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। कैसी राइड रही अभी? राइड अभी तक तो फंटास्टिक, जबरदस्त, मजा आ रहा है। आगे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, स्टार्टिंग स्टार्ट है अभी, हम उधमपुर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आगे जाके खूब सारा एंजॉय करेंगे हम। डांस करना बरतिया मैंने और आपने, ठीक है? करे बिल्कुल पक्का करेंगे, ठीक है? ओके जी। अमर भैया जी क्या बताना चाहते हो? बहुत सही राइड रही, बहुत मजा आया। अभी देखता है क्या क्या होता है। काफी मजा आया ना यहाँ तक, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे भी आएगा। ओके देख सकते हो अभी हम पहुंचने वाले हैं चनानी नासरी। अभी ना काम बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी जगहों पे अभी काम चल रहा है, ऊपर से जो ये पत्थर है ये गिरते रहते हैं, इनको क्लियर करने में ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे काम चलता रहता है, ऊपर से पत्थर गिरते ये हटाते जा। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये रोड जो जाता है स्ट्रेट ये जाता है टनल की तरफ जो जाती है चनानी नासरी टनल, और ये वाला जो रोड है ये जाता है पटनी टॉप की तरफ। और गाइस ये आगे चेक करो, धुआं निकल रहा है। ओ भाई साहब क्या निकल रहा है ये, कुछ पता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी है उस साइड? ओए होए 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 गाइस ये सामने चेक करो कितना धुआं निकल रहा है जंगल से, ये देखो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। क्या है ये कुछ पता नहीं, मुझे लगता है आग लगी है जंगल में कहीं पर। ये देखो हमारे वाइपर भैया सुसु का इशारा दिखा रहे हैं बिल्कुल ये। चलिए जी साइड में रुकते हैं आगे, और अभी मौसम भी अच्छा है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। गाइस ये मैं इस दिन की बात कर रहा था मैं, ये देखो बर्फ पहाड़ के चोटी पे, ये देखो पहाड़ों पे बर्फ, देखो गाइस बर्फ देखो पहाड़ों पे, ये चेक करो बर्फ कितना प्यारा लग रही। हम पहुंचने वाले हैं पटनी टॉप, और व्यू चेक करो कितनी प्यारी व्यू है, और आज धूप भी है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये देखो ये बच्चे भी जा रहे हैं अभी पटनी टॉप की तरफ, इनको भी करते हैं बाय और चलते हैं हम आगे। तो गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अभी हम पहुँचने वाले हैं कुछ मिनट लगेंगे हमें पटनी टॉप तक, क्योंकि बिल्कुल पास है पटनी टॉप के। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो पहाड़ों पे बर्फ कितनी खूबसूरत लग रही है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये वाले पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे पेड़ लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितने ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे ना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अपने गौरव भैया तो कुछ सीरीज बना रहे हैं, जाके पूछता है गौरव भैया से, गौरव भैया क्या बना रहे हो? अभी तो पत्नी टॉप में जाके बनाएंगे कुछ नहीं। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ बना रहे थे आप, वीडियो शीडियो रिलीज वगैरह क्या? सामने का पहले व्यू दिखा दो एक बार, जबरदस्त व्यू एक बार फिर से एक बार देख लो, है नहीं पिक्चर लेने लायक, बहुत ज्यादा तगड़ा है ना, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी इसके बाद पत्नी टॉप में अच्छा दिखेगा वो दिखाएंगे। पक्का पहले अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत होता है क्या, अभी तो बस स्टार्टिंग है, आगे आगे बहुत ज्यादा ध्यान मचाने वाले हैं हम। गाइस बताना चाहता हूँ आपको, देखो पूरा अभी जो है हर कोई रेस्ट ले रहा है, तो अभी हम जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट पटनी टॉप। अभी पटनी टॉप के लिए 1 किलोमीटर बचा है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छी व्यू है, ये देखो गाइस कितनी खूबसूरत व्यू है। और अभी हम कौन सी हाइट पे है वो भी चेक कर लो, बहुत ही नीचे से हम ऊपर आए हैं, लेकिन ये वाले व्यू गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग। तो गाइस ये देखो एक बार और
बताना चाहता हूँ, अभी हमें पटनी टॉप में आप लोग देख सकते हो कितने सारे आए हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रहे हमारे भैया, भैया कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से, यूपी से आया हूँ। यूपी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ देखी ना, मजा आया ना? बहुत मजा आया। चलो जी, ओके, एंजॉय। तो आपका यूट्यूब चैनल आया, आगे लगाया राइड विद आसिफ। हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको और भी जो सामने देखने को मिलेगा, आगे जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए काफी अच्छा रहा, ये रहे अपने भैया, मजा आ रहा ना? चलो जी, फिलहाल के लिए हम भी चल रहे हैं आगे आगे, और ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हैं, पिकनिक आए हैं, आप लोग देख सकते हो काफी सारे फोटो शोटो ले रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं ये बच्चे। आगे देख लो, और काफी मजे करते हुए बच्चे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो बर्फ में खेल रहे हो। ओके, हाँ आ जाओगे, पक्का आ जाओगे, पक्का लाऊंगा आपको व्लॉग में। थैंक यू भाई। ये देखो गाइस कितने सारे लोग हैं एंड कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हर कोई एंजॉय करते हुए जा रहा है। सॉरी, अभी थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कितने बंदे आए हैं, वो सब आपको चेक करा रहा हूँ। देखो कितने सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं इस बर्फ में। तो गाइज आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, आप भी आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा अभी भी बर्फ़ पड़ा है रोडों पे, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कितना बर्फ़ है। और जो भी आप लोगों को चाहिए होटल स्टे वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ज़रूर विजिट करें अभी हमें पटनी टॉप में। और वो वाले बंदे जो है हमें दिखा रहा है, हेलो, पहले होटल से होके आएंगे, उसके बाद हम बर्फ़ में खेलेंगे, बहुत सारा नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे, बर्फ़ में आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो गाइस, मास्टर जी तो पूरे बर्फ़ के गोले लेके बैठे हैं हाथ में आप लोगों, और ये वाले भैया देख लो कैसे खेल रहे हैं। ये देखो महाराज का हाल क्या हुआ है। भैया क्या हाल है, ठीक हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे बर्फ में आके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से आए हो आप? हम लोग यूपी हरदोई से आए हैं सर। अच्छा, अभी यूपी से आए हो? सर, यूपी हरदोई। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे? बहुत ही सुहावना मौसम, बर्फ ही बर्फ है, मजा है ना? अरे फुल एंजॉय आ रहा है। चलो जी, एंजॉय करते रहिए। ये आप देख सकते हो, व्यू चेक कर सकते हो, कितने सारे लोग है यहाँ पे गाइस, ये देखो कितने सारे लोग है एंड पूरा मजा ले रहे है, पूरा बिल्कुल भी मजा ले रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं। जो भी यहाँ पे आए हैं वो सब यहाँ पे काफी ज्यादा मजा ले रहे हैं, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं लोग और काफी मजे करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो गाइस कहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये वाली बर्फ जो है थोड़ी सी गंदी हो गई इसकी पेड़ों की वजह से, लेकिन ऊपर जाके आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिलेगा, बहुत ही अच्छा दिखने को मिला। हेलो, कैसा लगा यहाँ पे? बढ़िया है ना, मजा आया? यस। कितना मजा आया? अब कैसे बोलूं? अच्छा, कहाँ से है? केरला से हो? ओके, चलिए जी हम चलते हैं फिलहाल आगे की तरफ, और काफी मजे करते हुए जा रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ तक तो राइड काफी अच्छी रही, आगे भी आई होप अच्छी रहेगी। चलिए वो आगे जाके देख पता चलेगा। ये देखो भाई ने यहाँ पे क्या लाया है, हेल्थ मिनिस्टर। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी तो हम आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, रोड नहीं है, बर्फ है जो कि जम चुकी है, पूरा बर्फ जो है जम चुका है रोड पे। भाई तुझे कितनी बार बोला स्कूटर पे मत आ, इट्स नॉट सेफ, एंड नेक्स्ट टाइम कॉल मी, आई विल सेंड माय ड्राइवर। ठीक है भाई। भाई तुझे कितनी बार बोला स्कूटर पे मत आ, It's not safe. And next time call me, I'll send my driver. आराम से, आराम से, प्रिंस, आराम से मेरे भाई। ये देखो गाइस हमारा बंदा जो है लाइव क्रैश हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो आराम से चलो, सिंगल चलो, सिंगल इस पे सिंगल चलो। चलो मैं थोड़ा पकड़ता हूँ, पीछे खींचो थोड़ा, हाँ जान दो आगे, अब एक्सीलेटर ज्यादा नहीं देना, बिल्कुल हल्का एक्सीलेटर, नहीं नहीं गिरेगा, हल्का देना है बस। चलो चलो जान दो, बस बस ठीक है, अब आराम से जाना। कोई नहीं, कोई नहीं।
गाइस ये देखो गाइस कितनी सारी बर्फ है और गिरने की खतरा है, गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये बर्फ जो है जम जाती है रोड पे, उसकी वजह से बड़ा खतरा रहता है गिरने का। आपने अभी लाइव देखा भी, तो बिल्कुल पैर नीचे रख के आराम से होके जाएंगे, कोई इशू नहीं है गाइस। ये देखो बिल्कुल प्यार से होके जाएंगे। हाँ हाँ पता है मुझे, तो बिल्कुल देखो कितना प्यार से होके जा रहे हैं हम आगे की तरफ, और बिल्कुल आराम से होके जाएंगे। अभी अगर इस बर्फ़ पे थोड़ा सा हल्के भी हमने ब्रेक लगा लिया तो बंदे की वाट लगने वाली है गाइस। ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगी, और आज हम तहलका मचाने वाले हैं आप लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल तहलका मचा के दिखाएंगे आप लोगों को, और काफ़ी मज़ा करते हुए जाएंगे। और भाई साहब ये रोड देख लो फिर से एक बार, वही आइस वाला आ गया। बिल्कुल ध्यान से चलना है, ब्रेक वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करनी है, थोड़ी सी भी ब्रेक दिखा दी तो बंदा तो फिसलेगा पक्का। इसलिए बिल्कुल आराम से होके जाएंगे, प्यार से होके जाएंगे, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना है। करो कितनी प्यारी व्यू है, और कौन सी सेक्सी लोकेशन पे हमने अपनी बाइक जो है पार्क की, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो गाइस कितना नीचे है, एंड ये चेक करो गाइस, ये रही अपनी बाइक्स, ये अपने बंदे जा रहे हैं। बोल रहा हूँ कि पहलगाम है, पहलगाम से तो कम ही है। अरे पहलगाम ये तो कुछ भी नहीं है, पर किस पे मारोगे? किसी पे भी मार, किसी पे भी मार। एक बार एक बड़ा उठा के ना, एक बड़ा उठा के मार दो। अभी गौरव भैया पे मार दो, गौरव भैया पे मार दो, मार दो। ये सही है यार, अब मार के दिखाओ, अब मार के दिखाओ। ये देखो मिस हो गया। देखो गाइस प्रिंस पे बर्फ पड़ने वाली है अभी, आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ओए 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 ओए, क्या है भाई, क्या मजा है यार, क्या मजे ले रहे हैं बंदे। मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो। ओए शाए बड़ा, ये देखो गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो। ओए 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 ओए, चलो जी चलते हैं हम अभी यहाँ से। और ये देखो बाइक्स कितनी सेक्सी लोकेशन पे लग रही है हमारी, आप लोगों को मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। कितना प्यारा व्यू है, और नीचे का व्यू चेक करो गाइस। ओ हो हो हो, इस व्यू की तारीफ क्या कर रहे हैं हम भाई। ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, कितनी प्यारी। फिलहाल चलते हैं हम आगे होटल की तरफ, उसके बाद आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है गाइस, ये देख लो मछली यहाँ पे मैरिनेट होने जा रही है, और कौन कर रहे हैं वो भी आप देख लो, हमारे अपल भैया। आज शाम को तंदूर लगेगा जबरदस्त वाला, मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। आपको आए ना आए, जो तंदूर पे पकाएगा ना उसके कंट्रोल में सारा है, उसको तो आएगा ही आएगा। सही बात है, है नहीं? अभी हम इसमें मैरिनेशन के लिए रखेंगे थोड़ी देर, बारबेक्यू होगा, जब शाम को बनाएंगे जरूर आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिए। इस पे तो कोई फन नहीं दिख रहा है, ये ना पूरा जाना चाहिए स्पीड से, स्पीड से जाता है फिर आगे जाके कहाँ जाएंगे, खाई में नहीं, आगे तो नीचे भी ट्रैक है मगर उधर बर्फ जमी हुई है ना। अच्छा चलो प्रिंस भाई, जाना है आपने, किसको जाना है, किसको जाना है, ट्रेल फ्री है। अंकल जी फोटो वोटो उठाने के लिए कितने पैसे लेते हो? 20 रुपए। 20 रुपए, चलो सही है। चल 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 ये जो बंदा है, ये हमारा बंदा है, सिर पे मारो, सिर पे ऐसे नहीं, बिल्कुल क्या बताओ 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 क्या करनी है, फोटो खींचना, फोटो अभी तो तेरा वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है अभी तेरा, वायरल कर देंगे ये वाला वीडियो, याद रखना ठीक है ना। चलो अभी मैं जा रहा हूँ स्लाइड पे, और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। छोटू गिराए को तो नहीं ना, नहीं गिराएगा पक्का, रुक रुक रुक, अभी अभी रुक, अभी रुक, अभी नहीं छोड़ना, मैं पैर कहाँ रखूँ,
ये देख लो गाइस, मेरा पैर वैर सब कुछ बंद हो गया है, गिराना नहीं याद रखना मुझे। चलें चलो फिर। ओए वाइपर भैया मुझे पकड़ के रख लेना। ये छोड़ दो भाई। अरे भाई ये तो ज्यादा ही नहीं है, इसके नीचे क्या है? बस इतना ही था। ओहो भाई रोक दे, अबे रोक भी दो यार। अरे गिर जाएंगे और नहीं गिरेंगे। वाह क्या बात है। तो गाइस आपने देखा अभी स्लाइड पे जाते हुए, काफी अच्छा लगा। दोबारा करो, वीडियो रिकॉर्ड की है। गौरव भैया क्या बता रहे हो? मैंने कहा मैंने देखा गिरते हुए। नहीं देखा आपने? दोबारा गिरो। वाह क्या बात है। लेकिन हम गिरे ही नहीं ना। स्लाइड किया? हाँ। कभी और बोलो, मैं भी करोगे? इस वाले छोटू ने हमें उतारा है, ये देख लो। क्या नाम है? संजय कुमार छोटू का नाम है। संजय कुमार जी के पास आ जाओ और स्लाइड मारते जाओ, है ना। अपने रफी भाई इन्होंने 360 हाथ में लिया है। रफी भैया चलो जी। ओ बंदा देख लो, चलो बहुत ही अच्छी स्लाइड है ये भी, और मजा भी आ रहा है। अभी ये वाले भैया भी चल रहे हैं। ये देखो भैया जी, शाबाश। चल रहे हमारे दूसरे भैया। गौरव भैया बचो, देखो 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 कैसे स्लाइड कर रहे हैं। लेकिन इन बंदों को पूरी एक्सपीरियंस है। गिरा दिया बंदे को। ओए बंदे को गिरा दिया। चल के पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। इनका ठीक हो गया ना? भैया क्या हो गया? आपने हमारे भैया को गिरा दिया यार। आपके पास बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपके पास, तो फिर क्यों गिरा दिया? ये देखो हमारे भैया को गिरा दिया, आप लोगों ने देखा वो भी। गाइस अभी आने वाले हैं हमारे वाइपर भैया। ये देखो विपुल भैया, बंदा बड़ा नाटक कर रहा है, नाटकी बंदा है देख लो। ओए गिरा दिया इसको भी गिराएगा, पक्का इसको भी गिराएगा। अमर भैया आ रहे हैं, पकड़ो खुद को पकड़ो। ओए गया बंदा गया। मछली जल की रानी है, हमने उसको खाना। तो गाइस आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने जो अपनी बाइक्स है वो पार्क की है। ये देखिए गाइस कितनी सारी बाइक्स है हमारे साथ, और हमारा होटल जो है थोड़ा सा ऊपर है। होटल की पार्किंग तो नहीं है, उस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं थी पहले, वरना ये वाला होटल हम नहीं लेते। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो गाइस ये आप देख सकते हो कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, उसके बाद ही हमारा होटल जो है वो दिखेगा। हमारे बंदे यहाँ पे बड़े तगड़े सॉन्ग सॉन्ग सुन रहे हैं, और बहुत ही उन्होंने कुछ बनाया है। गौरव भैया थोड़ा सा दिखा भी दो यार। तो गाइज ये था आज का दिन, अभी हम आए होटल में वापस। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का, और काफ़ी मज़ा भी आया। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अभी कल सुबह सवेरे निकलना है नथन टॉप की तरफ, तो मुझे लगता है अभी हमें सोना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट भी हुआ है। एंड काफ़ी एंजॉय भी किया हमने, बहुत खूब सारा एंजॉय किया। अभी हम नीचे से आए हैं, बहुत सारा बोनीफायर वगैरह जो भी है सब कुछ हमने कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं सोने, मिलते आपसे कल सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।